औरतों और बच्चों से बदला नहीं लिया जाता। मैं चाहता हूँ इंसानियत के नाते गोविंद की माँ और उसके बच्चों को रिहा कर दिया जाए। नवाब साहब, आपने अब साबित कर दिया एक अच्छा इंसान ही सच्चा मुसलमान नहीं होता है। मैं भी इंसाफ में यकीन रखता हूँ। नवाब साहब की मर्जी और आवाम की ख्वाहिश के मद्देनजर हम इनको आजाद भी कर देंगे, पर मैं इनसे ये तो पूछ लूं कि ये आजाद होकर क्या करेंगे? वही करेंगे जो हमारे गुरु पिता कर रहे हैं और जो सिंधों की आने वाली नस्लें करेंगे। क्या आखिरी सांस तक जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे? वो कैसे? हम अपने गुरु पिता के सिंहों को फिर से इकट्ठा कर फौज तैयार करेंगे। सुना आप सबने, इनके बागी इरादे? जो इनका बागी बाप हमारे साथ कर रहा है वही ये बागी बच्चे करना चाहते हैं। अब बताओ दरबार में बैठे काजी और वजीरों की मुगलिया सल्तनत के इन बागियों के बारे में आपकी क्या राय है? हाँ साहेब, अब तो सबकी राय एक ही है, सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। जुबान को लगाम दो, मजलूमों के वो दोस्त है नेकी उनकी पहचान है। सिर झुका कर आदर कर, गुरु गोविंद सिंह उनका नाम है। के कैदी है नहीं तो कसम गुरु पिता की, अब तक तुम्हारा सर गिर चुका होना था। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। बागी गुरु के बागी बच्चों, हमारा धर्म कबूल करो या बेरहमी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरना कबूल, जीवन की छड़ आस को सबना की रहन का, तो आओ हमारे पास। काजी साहब, फतवा। मेरा फतवा तैयार है खान साहब। इनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। हमने पाठ भी कर लिया, मोती मेरा दूध भी पिला कर चला गया, पर आपने पूछा नहीं कि आज दरबार में क्या हुआ। बेटा, वही गले में उल्टे सीधे सवाल। जो कुछ भी हुआ उससे हम बहुत खुश हैं दादी माँ। खुश? कौन सी बात से खुशी होती है? हम खुश हैं कि हम आपकी उम्मीदों पर सही उतरे। हम खुश हैं कि हमने अपने गुरु पिता और दादाजी की शान को बरकरार रखा। हम खुश हैं कि हमने जालिमों के डर से अपना धर्म नहीं हारा। मुझे तुम पर फख्र है। काजी का फतवा कहता है कि हमें जिंदा दीवार में चिन दिया जाएगा। फिर क्या हुआ, जिंदा दीवार में ही चिनेंगे, मार तो नहीं देंगे? हाँ दादी माँ, मार थोड़ी देंगे। आप चाहती हैं मैं उस बागी के बच्चों पर रहम करूं जिसने मुगलिया सल्तनत की नाक में दम कर रखा है? मैं कुछ नहीं कर सकता, काजी साहब अपना फतवा दे चुके हैं। काजी का फतवा बदला जा सकता है ये मैं जानती हूँ, उस फतवे को कैसे बदलना है ये आप जानते हैं। होश में आओ बेगम, मैं उन बच्चों की सजा नहीं माफ करूंगा। मैं नहीं चाहता कि सारी मुगलिया हुकूमत मुझे सिखों के गुरु से डरने वाला डरपोक कहकर बुलाए। तीर कमान से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। Thank you.
तैयार कर लेने आ रहे हैं। फतवा जारी करना है। धरती पर गिरा हमारा खून एक दिन जरूर रंग लेकर आएगा। क्या रंग लाएगा? यहाँ तुम्हारी याद में कोई महल बन जाएगा। चिल्ला दो, इनको दीवार में चिन्हना शुरू करो। सतनाम करता पूरक निर्भय निर्भय ये दोनों तो अभी जिंदा है खान साहब।
सिंहों की सल्तनत का ये पौधा लगा जाए। कसूर देने का